कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश का प्रभार लेने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जुड़े एक केस की चार्जशीट में दर्ज किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बताया है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली के रहने वाले रियल एस्टेट एजेंट के जरिए हरियाणा में जमीन खरीदी। इस एजेंट ने एनआरआई बिजनेसमैन सिसी थम्पी को भी जमीनें बेची हैं। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि वाड्रा और थम्पी के रिश्ते काफी लंबे हैं और दोनों एक जैसा व्यापार करने के अलावा कई काम मिलकर करते हैं। ये एक बड़ा मामला है जो भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी से संबंधित है। भंडारी की मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा और काले धन कानूनों के उल्लंघन और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। वह 2016 में ही जांच एजेंसियों के डर की वजह से भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गया था। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक थम्पी पर ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा के साथ मिलकर भंडारी को अपराध की कमाई छिपाने में मदद करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि ईडी ने इस मामले से जुड़े हुए पहले की चार्जशीट में थम्पी के करीबी सहयोगी के तौर पर रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया है, मगर यह पहली बार है कि अदालत में जमा किए गए आधिकारिक दस्तावेज में प्रियंका गांधी के नाम शामिल किया गया है। चार्जशीट में जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि एचएल पहवा ने वाड्रा और थम्पी दोनों को जमीन बेची है। उसे हरियाणा में जमीन खरीदने के लिए बेनामी पैसा दिया गया और वाड्रा ने जमीन बिक्री के लिए पूरा पैसा नहीं दिया है। बता दें कि पहवा ने 2006 में प्रियंका गांधी को खेती की जमीन बेची और फिर 2010 में उनसे वो जमीन वापस खरीद लिया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका को आरोपी नहीं बताया गया है, मगर थम्पी और वाड्रा के बीच संबंध दिखाने के लिए जमीन की खरीद फरोख्त का जिक्र हुआ है। वहीं प्रियंका गांधी के ऊपर चार्जशीट दाखिल कर लिया गया है। चार्जशीट में उनका नाम भी शामिल है। विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन देश का गरीब और गरीब होता चले जा रहा है। बार बार कहते रहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 10 सालों से आपकी सरकार है, अब तो जिम्मेदारी ले लीजिए। क्या जनता का हक नहीं है कि आपसे पूछे कि 70 साल की बात छोड़िए, 10 साल की बात बताइए, 10 साल में हम बेरोजगार क्यों? 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में आज है, और मैं इस हक को या के बारे में याद दिलाने के लिए आज यहाँ पे आपके सामने खड़ी हूँ। मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी जागरूकता चाहिए। अगर आपका देशभक्ति का धर्म है तो वो यही है कि जागरूक बन जाओ, अपने विकास के बारे में पूछो। बाकी इस पे आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव से पहले और फंसती हुई नजर आ रही हैं? फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।